नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल खेल ग्रहों का। मैं आज हम बात कर रहे हैं समस्या और समाधान की, आज हम बात कर रहे हैं रोग निवारण की। हमारे हेड ऑफिस जोधपुर में एक पिता ने अपने पुत्र की कुंडली भेजी है टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए, और वह रोग गंभीर है। उस रोग का डिस्कशन करना, इस रोग का विश्लेषण करना मैंने आपके सामने करना जरूरी समझा, क्योंकि यदि आपके आसपास में भी ऐसा कोई जातक है जिसको ये समस्या है, जिसको ये रोग है, तो आप उनको भी बोल करके इस रोग का कुछ निवारण करा सकते हैं, उस समस्या के समाधान में सहभागी बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं। हार्ट अर्थात हृदय शरीर का वह अंग होता है जहाँ शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही तरह के रक्त पहुँचते हैं, और वहाँ से पूरे शरीर में पहुँचाए जाते हैं हार्ट के द्वारा, जो शरीर की खुराक होती है। ज्योतिष में काल पुरुष अर्थात हमने एक विजन बनाया है, एक व्यक्ति का पूरा पूरा शरीर लिया है, कौन से अंग पर किस राशि का प्रभाव है उसको काल पुरुष कहा जाता है। अर्थात हमने एक इमेजिनेशन की है पुरुष की, उसके हर अंग पे किसी न किसी राशि का प्रभाव है, उसको काल पुरुष कहा गया है। तो ज्योतिष में काल पुरुष के अंगों में फोर्थ नंबर अर्थात कर्क राशि, चार नंबर की राशि कर्क को हृदय का स्थान माना गया है। फोर्थ हाउस सुख का भी होता है। फोर्थ हाउस अर्थात जो भी सुख की कल्पना करे, और सुख की कल्पना होती है बाई हार्ट, तो हृदय का स्थान माना गया। और वहीं फिफ्थ नंबर अंक की राशि, पाँच नंबर अंक की राशि सिंह को हृदय का सूचक माना गया है। अतः जहाँ भी हृदय की बात उठेगी, हार्ट की बात उठेगी, वहाँ कर्क और सिंह राशि, चंद्रमा और सूर्य, इन ग्रहों की बात अवश्य ही उठेगी। इनके बारे में विचार करना ही पड़ेगा। इन चार अंगों के साथ साथ किसी भी व्यक्ति की कुंडली में फोर्थ एंड फिफ्थ के स्वामी ग्रह यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि या उनकी युति की वजह से दूषित हो रहे हैं, तो हृदय में रोग हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तेज चलने वाले ग्रहों से दूषित होने पर रोग के जल्दी ठीक होने या फिर कम तकलीफ की उम्मीद की जा सकती है, जैसे मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये सारे ग्रह बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात तेज गति वाले ग्रह हैं। और जब धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के प्रभाव से रोग का समय या मियाद लंबी हो जाती है, ज्योतिष में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये सब धीमी गति वाले ग्रह हैं। आप राहु देख लीजिए, 18 माह तक एक राशि पर रहेगा, केतु भी उतने ही समय तक रहेगा, शनि एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है, और बृहस्पति एक राशि पर लगभग 13 माह तक रहता है। ये सब के सब लंबी अवधि वाले दीर्घजीवी ग्रह इनको बोला जाता है। हार्ट का मुख्य कार्य, हृदय का मुख्य काम है खून का संचार करना, और खून एक जलीय पदार्थ है, अतः लिक्विड है, अतः इसका संबंध जलीय राशि कर्क, वृश्चिक और मीन से बना रहेगा। राहु केतु का प्रभाव अचानक होता है और शनि का धीरे धीरे। मंगल भी एकाएक घटनाओं को घटाने की क्षमता रखता है, अर्थात एकाएक प्रभाव डालता है। शनि की मकर और कुंभ दोनों ही राशियां हैं, और ये दोनों राशियां कर्क राशि और सिंह राशि से सप्तम राशि होती है, अतः शनि भी हृदय रोग के लिए जिम्मेदार समझा जाने वाला ग्रह है। पर क्योंकि शनि की क्रिया प्रणाली धीरे धीरे चलती है, अतः यह एकाएक रोग को अंजाम देने वाला ग्रह नहीं हो सकता, बल्कि धीरे धीरे रोग को अंजाम देगा। शनि और बुध दोनों ही मांसपेशी के कारक माने जाते हैं, अतः शनि मुख्य रूप से धमनी के छेद को संकरा बना करके रोग को अंजाम देगा, और इसी ग्रह के प्रभाव में धमनी धीरे धीरे संकरी होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वह छेद बंद हो जाएगा, जिससे रक्त का प्रभाव, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, और यह ऐसी ही स्थिति को दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। यह 5 वर्ष के बच्चे की कुंडली है जिसकी तबीयत प्राय खराब ही रहती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बार बार उसकी सांस फूल जाती है। बिल्कुल आपने सही समझा, जी हाँ, इस बच्चे को दिल में छेद है। दिल में छेद होना दिल से जुड़ी एक पैदाइशी बीमारियों में से एक बीमारी है, जिसे डॉक्टरों की भाषा में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी कहते हैं, जो माँ के पेट से ही बच्चे की ग्रोथ के साथ में जुड़ी रहती है। अब क्या कारण है स्थिति का ज्योतिष के आईने में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ज्योतिष है इसलिए हम हर बात ज्योतिष के आईने में ही देखते हैं, परखते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इस रोग का कारण क्या है, और जहाँ कारण है वहाँ निवारण है। तो सबसे पहले हम रोग को समझते हैं कि क्यों एक 5 वर्ष के बच्चे को, जिसका भी कोई भी कर्म गलत नहीं है, फिर भी वो इतनी ज़्यादा पीड़ा भोग रहा है, अपनी ज़िंदगी के साथ में फाइट कर रहा है, अपनी लाइफ के साथ में लड़ रहा है। देखिए, ठीक, आपको स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई जा रही है, यह सिंह लग्न की कुंडली है, और लग्न केतु के नक्षत्र का स्वामी है।
ठीक, लग्न सूर्य उच्च राशि में है, भाग्य भाव में स्थित है, अर्थात लग्न से नाइन्थ हाउस भाग्य भाव है, वहाँ पर सूर्य स्थित है, लेकिन केतु के साथ में युति होने से ग्रहण योग के प्रभाव से ग्रसित है। सूर्य और केतु, सूर्य राहु जब भी एक साथ में स्थित होंगे उनकी युति रहेगी, उस स्थिति को ग्रहण योग कहा जाएगा। ग्रहण योग एक प्रकार से पितृदोष से भी देखा जाता है, शापित दोष से भी देखा जाता है, और अपने अधिकारों के साथ में फाइट में भी देखा जाता है। और जब सूर्य के साथ में केतु है तो सूर्य को हृदय का स्वामी समझा जाता है, सूर्य को हृदय का कारक समझा जाता है, तो वो स्वयं जब पीड़ित हो जाएगा, और जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ग्रह साथ में होंगे तो नेगेटिव का तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन पॉजिटिव ही डैमेज होगा, और यहाँ सूर्य पॉजिटिव है, सूर्य डैमेज होगा, सूर्य का अंग डैमेज होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस बच्चे को सूर्य की वजह से, सूर्य के साथ केतु की वजह से यहाँ पर उसको हार्ट प्रॉब्लम है। सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र जो कि सूर्य का शत्रु है और सिंह लग्न में मारक होता है। ठीक, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का अधिपति है, अर्थात ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है। ट्वेल्थ हाउस से अपमान, अपयस, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, ये सब कुछ देखा जाता है जो हमारी जिंदगी से छीना जा सकता है, सुख शांति छीनी जा सकती है। हमने जो पुण्य कमाए हुए वो हमारे क्षय हो सकते हैं, हमने पैसा कमाया वो नाश हो सकता है। ठीक, हमने अपना नाम कमाया वो नाश हो सकता है, हमने संपत्ति कमाई वो नाश हो सकती है। तो ये सब कुछ ट्वेल्थ हाउस है। जब व्यक्ति कोई पैदा होता है तो फर्स्ट हाउस से उसकी ज़िंदगी आरंभ हो ठीक हो जाती है, और ट्वेल्थ हाउस में वो व्यक्ति खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो व्यक्ति मिट्टी हो गया। तो ट्वेल्थ हाउस का स्वामी यहाँ पर चंद्रमा है, लग्न में स्थित है, अपने से धन भाव में आता है, लग्न में स्थित है और सुरक्षित है। लेकिन आप यह विशेषता देखिए कि यह भी शुक्र के ही नक्षत्र में स्थित है। शुक्र जो कि सिंह लग्न का मारक है, सूर्य शुक्र जो कि सूर्य का भी शत्रु है, उनके नक्षत्र में ही चंद्रमा भी स्थित है। अब बात करते हैं अगली राशि की, अगली बात की। अतः प्रबल मारक ग्रह शुक्र अष्टम भाव में उच्च राशि के हैं, अर्थात आप देखिए जो आपका शत्रु है, लग्न का शत्रु है, लग्न अर्थात जीवन, और जीवन का जो शत्रु है वह है एट्थ हाउस, और शुक्र जो कि लग्न के शत्रु हैं वो बलवान हैं, अतः जो शत्रु है वह भी बहुत ही प्रबल बलवान है। वर्तमान समय काल में शुक्र की ही दशा चल रही है। सप्तमेश जो कि लग्न और लग्नेश सूर्य दोनों का शत्रु है, उसकी अंतर्दशा चल रही है। सप्तमेश रोगेश शनि अष्टम से अष्टम अर्थात तीसरे भाव में विराजमान है। प्रत्यंत दशा बुध की चल रही है, जो कि छठे से छठा अर्थात एकादश भाव और सप्तम से अष्टम यानी कि द्वितीय भाव दोनों मारक भाव का स्वामी है। इस प्रकार तीन मारक स्थितियों के स्वामियों की दशा चल रही है, जो कि घातक समय है। सामान्य भाषा में, ज्योतिषों की भाषा में ये बोल सकते हैं मार्केश का समय काल चल रहा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कर्क राशि को हृदय का स्थान माना जाता है और सिंह राशि हृदय का सूचक मानी जाती है, अतः जहां भी हृदय की बात उठेगी वहां कर्क और सिंह राशि, चंद्रमा और सूर्य ग्रह की बात अवश्य ही उठेगी। तो आप देखिए कि शनि की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा के भाव दोनों पर ही है। पांचवें भाव पर भी शनि और मंगल दो पापी ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों के लिए जिम्मेदारी यहां पर तय की जाएगी। ज्योतिष का एक योग है जिसके अनुसार चंद्रमा सिंह राशि में हो या सूर्य कर्क राशि में हो तो इससे हृदय रोग की संभावना बनती है, और सूर्य राहु से दूषित हो जाए तो केवल संभावना ही नहीं अवश्यम भावी हृदय योग हो जाता है। इस कुंडली में भी चंद्रमा सिंह राशि में है, राहु और शनि दोनों तृतीय भाव में स्थित होकर के सूर्य को देख रहे हैं, इससे इस रोग की संभावना 100% हो जाती है। अब बात उठती है कि रोग कब होगा। जो ये कुंडली है ये तो जीवन भर चलेगी। आज बच्चा सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है, 2014 में इसका जन्म है, सिर्फ 5 साल का बच्चा है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक आज की तारीख में इसको ये योग चल रहा है, ये दशा चल रही है, तो क्या 70 साल का व्यक्ति होगा ठीक तब भी यही कुंडली रहेगी, उस समय भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जन्म कुंडली तो वही रहेगी, जन्म कुंडली कभी नहीं बदलेगी। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस समय आप पैदा हुए, जिस घड़ी, जिस नक्षत्र, जिस समय, जिस स्थान पर पैदा हुआ, उस समय भी आप जब उत्पन्न हुए उस समय ग्रहों की एक फोटो खींच जाती है, उसको जन्म कुंडली कहा जाता है। तो आज की तारीख में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, कितनी डिग्री पर चल रहा है, क्या योग है, इन सब को, इन सब की गणना और इन सब का कोरिलेशन जन्म कुंडली के साथ में हो, उसी को ज्योतिष कहा जाता है। सिर्फ जन्म कुंडली देख करके फलादेश अगर करेंगे तो कभी सही नहीं हो सकता। आपको पास्ट और प्रेजेंट
और फ्यूचर, इन सब से जोड़ना होगा, तब आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर सकते हैं, तब आप किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। और हाँ, इस डिसीजन में जो भी शोषण वर्ग है, अर्थात जो कुछ भी बात करेंगे, जो कुछ भी क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही बात करनी पड़ेगी। ग्रहों की स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको नवांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, आपको रोग के लिए, अरिष्ट निवारण के लिए त्रिशांश कुंडली, ये सब कुछ देखना जरूरी होगा। जो जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अष्टक वर्ग में आपको उन ग्रहों के बिंदु देखने पड़ेंगे कि कौन ग्रह कितना कमजोर है और कौन कितना बलवान है। जो ग्रह बलवान होकर के सपोर्ट कर सकता है, आप उसको बलवान करें। जो ग्रह नेगेटिव होकर के आपको हार्म कर रहा है, आप उसकी शांति करें, क्योंकि जो कुछ भी उपाय होंगे वो उपाय दो प्रकार के ही होंगे। जो पॉजिटिव है उसको और इम्प्रूव करना है, जो नेगेटिव है उसको डाउन करना है। आपकी ज़िंदगी में भी यही होता है। आप जितना कमाएंगे, आप अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाइए और एक्सपेंसेज या खर्च जो भी है उनको कम कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी अच्छी होने लग जाएगी, आपकी संपत्ति बढ़ने लग जाएगी, आप खुशहाल होते चले जाएंगे। तो रोग कब होगा इस बारे में विचार करें तो जन्म के पश्चात में 14 नवंबर 2018 को शुक्र में शनि की अंतर्दशा आते ही दिल में छेद की स्थिति ने शारीरिक क्षमताओं में कमी, हमेशा बुखार, बार बार सांस उखड़ जाने जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शुक्र मारक है तथा शनि भी रोग स्थान का अधिपति होकर के प्रबल मारक भाव थर्ड हाउस में, जो कि अष्टम से अष्टम होता है और प्रबल मारक होता है, उसमें स्थित है। इस कारण यह स्थिति कष्टकारक बन रही है। इस बच्चे का ऑपरेशन होना निश्चित है। यदि परिस्थितियों के अनुसार कुछ समय तक रुक भी जाए तब भी 27 अक्टूबर 2019 को शुक्र में शनि और शनि में केतु का प्रत्युत्तर आते ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और यदि इस समय ऑपरेशन करवा दिया तो ये बच्चा एकदम ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति बृहस्पति 5 नवंबर 2019 को अपनी स्वराशि धनु में, अर्थात सिंह राशि से त्रिकोण भाव में आ जाएगा। आने वाले समय में शनि भी अपनी स्वराशि मकर में, जो कि सिंह राशि से षष्ठ भाव में आ जाएंगे, और राशि से सिक्स्थ में आया हुआ शनि हमेशा शुभ फल देता है। राहु और केतु ऑलरेडी मार्च से ही बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं। अब बात करते हैं उपायों की। और जब भी ये बात आती है, कोई कारण की बात आती है, तो नेक्स्ट बात यही आती है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण है, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है। तो उपायों के अंदर इस बच्चे के लिए इनकी माता या इनके पिताजी या कोई भी परिजन जिनको भी समय हो, वे संपूर्ण मां मृत्युंजय यंत्र की, मां मृत्युंजय अतः मृत्यु को जीतने वाला रोग निवारण के लिए जिनकी भी पूजा की जाती है, वो सबसे पहले महादेव जी का ही नाम आता है, शिव का ही नाम आता है, और शिव का ही मंत्र है मां मृत्युंजय मंत्र। और शुक्राचार्य जी ने एक विधि का निर्माण किया था, एक प्रकार से कवच का निर्माण किया था, जिसको बोलते हैं मृत संजीवनी कवच। अतः ये जो स्तोत्र है, ये जो पूजा है, ये भी मृत्यु को जीतने वाली है, अतः शिव जी की ही पूजा है। तो मां मृत्युंजय यंत्र की पूजा इस बच्चे के नाम से संकल्प लेकर के करना है घर के परिजनों को। संकल्प कैसे लिया जाता है? संकल्प का अर्थ यहाँ पर है कि जो कुछ भी किसी के लिए काम कर रहा है वो अपना परिचय दे, और जिसके लिए काम कर रहा है उसका परिचय दे। अर्थात आप अपने लिए कोई पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए कोई संकल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि किसी और के लिए कर रहे हैं तो संकल्प करना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर में पंडित जी को बुलाते हैं, वो आपके बदले पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे संकल्प दिलवाएंगे कि मैं आपके लिए पूजा कर रहा हूं। इस बच्चे के जहां ये सोता है, इसके बेड के पास में साइड टेबल पे संपूर्ण रोग निवारण पिरामिड यंत्र, अर्थात एक पिरामिड बनेगा, ठीक, जिसके चारों रोग निवारण यंत्र लगे होंगे। चाहे वो दुर्गा सप्तशती में रोग निवारण यंत्र है उसकी बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो गणपति यंत्र से संबंधित सर्व कष्ट निवारण गणपति यंत्र हो सकता है, सर्वतोभद्र यंत्र हो सकता है, मां मृत्युंजय मंत्र हो सकता है, ठीक है, साथ नवग्रह जो यंत्र है वो हो सकता है। तो चारों ओर जो रोग निवारण यंत्र लगे होंगे उससे पिरामिड बनेगा, वह पिरामिड इसके साइड में रखना है जहाँ ये सोता है। पिरामिड का अर्थ कॉस्मिक एनर्जी से है। कोई व्यक्ति को थेरेपी देने के लिए उसको एक जगह पर रखना जरूरी है, और बेडरूम एक ऐसी जगह जहाँ 4, 5, 6, 7 घंटे वो व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा। तो माइंड बॉडी और सोल तीन चीज़ को ट्यूनअप करने के लिए, तीन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पिरामिड सिर्फ रखना है, इसका पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ जहाँ पर ये सो रहा है उस बच्चे को रखना है। अब इस कुंडली के अनुसार इस बच्चे को ग्रहों से संबंधित जो उपाय करने हैं, ठीक, आप उसके बारे में सुनिए कि इस बच्चे को सूर्य और केतु ग्रहण योग निवारण, साथ में महामृत्युंजय यंत्र,
सूर्य के लिए द्वादश आदित्य कवच, क्योंकि सूर्य लग्न का अधिपति है, और शुक्र की जो दशा चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, उसकी प्रतिकूलता के निवारण के लिए दुर्गा विषय यंत्र का संयुक्त पेंडल बना करके पहनाना है। इस बच्चे के नाम से रुद्र यज्ञ करवाना है, और जब आप कोई भी यज्ञ करवाएंगे, कोई भी पूजा पाठ हवन करवाएंगे, तो कलश स्थापित किया जाता है, उस कलश का जब पूजा समाप्त हो जाती है, उस कलश का जो जल है उससे बच्चे पर मार्जन करना है, अर्थात मंत्रों से जो मार्जन करते हैं, छींटा दिया जाता है, एक प्रकार से सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं, उसका मार्जन करना है, उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जब भी सूर्य ग्रहण हो, ठीक है, तब गेहूँ, गुड़ या तांबे का दान करना है। दान कितना करें ये आपकी पॉकेट पर अलाउ करता है, अपनी सामर्थ्य पर अलाउ करता है, ठीक। यदि किसी की सामर्थ्य वो ट्रक भर के भी दान कर दे तब भी दान ही कहलाया जाएगा, और कोई मुट्ठी पर दान दे देगा तब भी दान ही कहलाया जाएगा। तो ये था कारण और निवारण। समस्याएं कोई भी हो सकती है, समस्याओं को ढूंढने वाला, ठीक, यदि सही है तो वो उस समस्या का जड़ में जाकर के उसका उपाय भी ढूंढ सकता है। ईश्वर नहीं करे आपको कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या आए, लेकिन जब संसार है, जब शरीर है, तो उस शरीर में रोग लगेंगे ही लगेंगे। जब भी समय प्रतिकूल आएगा, जब भी दशा प्रतिकूल आएगी, रोग हमला करेंगे। तो हमने अगर समय से पहले यदि जांच लें, यदि परख लें कि कब हमको रोग की स्थिति आ सकती है, तो आप उससे अवेयर हो सकते हैं। और अवेयर होने का अर्थ यहाँ पे दान करने से है, यहाँ पे खुद पूजा करने से है, यहाँ पे कोई रत्न पहनने से है, या कोई भी आसपास के किसी विद्वान पंडित को, सात्विक पंडित को बुला करके पूजा पाठ करवाने से है। जो भी समस्या हो आप निसंकोच हमें भेज सकते हैं, और समस्या भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है। समस्या को जितना विस्तार से बता पाएंगे, साथ में अपनी जो भी कुंडली आपके पास जैसी भी है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है, आप उसका फोटोस्टेट कराइए या उसकी स्कैन करा करके हमको भेजिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, जो कुछ भी भेज सकते हैं, जितनी डिटेल भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब भेजिए, तो हम आपको विश्लेषण करके मार्गदर्शन कर पाएंगे कि आपको क्या समस्या है और उसके लिए क्या करना है। ये समस्या आएगी तो हम निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन कर पाएंगे। आपको जो भी जीवन में प्रयत्न करें उन सब में आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने घर के बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखें। जो कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन में अच्छे के लिए, अर्थात आसपास हरियाली के लिए, इस धरती को बचाने के लिए, जितने पेड़ लगा सकते हैं, कम से कम आपकी जितनी आयु है उतना तो करें, उससे ज़्यादा तो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग तो हजारों पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जितनी आयु है उतना ही पेड़ लगा देंगे, तब भी इस धरती में आने वाली पीढ़ी के लिए आप कम से कम ऑक्सीजन का प्रबंध करके जाएंगे। संपत्ति तो हर कोई छोड़कर जाता है, लेकिन आप इस संसार के लिए, इस जीवन के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करके जाइए, क्योंकि वो खरीदने पर भी नहीं मिल पाएगी। नमस्कार।